गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास ज्योग्राफी का 5th चैप्टर दैट इज वाटर, और आज हम उसका लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ओशियन करंट्स। प्यारे बच्चों, वाटर डे को हम इंटरनेशनली कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 22 मार्च। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये मैंने लास्ट वीडियो तक इसको रखा है, तो जिसका भी बर्थडे 22 मार्च को है प्लीज आप मुझे बताएं। अब ये जो ओशन करंट्स हैं, ये क्या है बेसिकली, आपको इसको समझने के लिए इट्स वेरी इजी। और ये कुछ स्ट्रीम्स होती हैं प्यारे बच्चों, जो एक अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे हमारा अर्थ एक एलिप्टिकल डायरेक्शन में घूमता है ना, वही उसका डायरेक्शन, तो वैसे ये जो स्ट्रीम्स होती हैं, ये थ्रू आउट द ईयर या जब भी जो इनका टाइम पीरियड है, छोटा अगर सर्कल है तो छोटा, तो वो अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमती है, राइट। ये गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, वार्म भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे बुक में आप कुछ लाइन्स देख रहे होंगे ये ब्लैक में, कुछ आप रेड में देख रहे हो, ठीक है। और रेड में आप ज्यादातर वो देख रहे हो जो इक्वेटर के पास में है, यानी कि ये वाली जो एरिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण जो यहाँ का पानी है वो गर्म हो जाता है। तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है, ओशन करंट होते क्या है, जैसे हमने टाइड्स को देखा, उसमें सन और मून का रोल हमने देखा, फिर हमने वेव्स को देखा, उसमें हमने हवा की कहानी को देखा, यहां पर ये वाली जो चीज है, ये पर्टिकुलर पानी के अंदर कुछ स्ट्रीम्स ऐसी होती है जो अपने एक डायरेक्शन में घूमती रहती है, राइट। और ये हाई भी, मतलब सॉरी, ये वार्म भी होती है और ये कोल्ड भी होती है। और वार्म और कोल्ड वाटर स्ट्रीम्स जो है वो कैसे हो सकती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि वैसी वो वार्म हो जाती है वैसी कोल्ड हो जाती है, यानी कि यहां पर जो पानी है, ये जब सूरज की किरणों की वजह से गर्म हो जाता है, तो मान लो हम आपकी बुक में भी देखेंगे, और साउथ में अगर आप साउथ वाले पार्ट में आप देखोगे, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे, तो यहाँ पे लैंड एरिया कम है एज कम्पेयर टू द नॉर्थ, है ना। तो इसमें क्या है, मतलब या फिर जो एक सर्कुलेशन, अगर हम यहाँ पे ये, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने की, तो अगर हम इस तरीके से ये एशिया को अगर हम बना देते हैं, ये सॉरी यहाँ मैंने, हाँ चलो आप इसको लगा लो, दिस इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर ये गर्म होगा, यानी कि यहाँ से जो एक सर्कल में वो घूमती है, अपना एक उनका सर्कल होता है, लेकिन यहाँ से ये कौन सी वाली वो होंगी, करंट्स होंगी, ओशियन करंट्स होंगी, क्योंकि यहां से आ रही तो गर्म वाली होगी, ठीक है। और पोल्स में क्या है, यहाँ पर इधर यहाँ पे ठंडी वाली जो है करंट्स है, यानी कि जो इसका सर्कल बनेगा, मान लो यहां से ठंडी आई, इधर आई, और इधर से आप यहां से इधर वाली ये गर्म इसमें मिल गई, तो ये गर्म जाके फिर दोबारा इधर जाके ठंडी होगी, इधर जाके गर्म होगी, इस तरीके से घूमते हैं। कि जो हॉट, जो वेव नहीं, जो ओशियन करंट है, वो ऐसे घूमेगी और यहाँ पे आके वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ठंडी वाली से वो मिल रही है, ठीक है। ये मैं आपको एक वैसे समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो ओशियन करंट है, इनका कोई ऐसा वो नहीं है कि भी इसके पीछे हवा रीजन है, वो रीजन है, इसके पीछे इसकी जो मूवमेंट है, क्योंकि अर्थ अपने आप में कहीं ना कहीं घूम रही है। और इसको एग्जांपल के तहत समझाने के लिए अगर आप देखेंगे, तो आपके यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, फिल 3/4 ऑफ अ बकेट विद टैप वाटर, हीट द वाटर बाय पुटिंग एन इमर्शन रोड, जिसको रॉड हम बोलते हैं, ऑन वन साइड ऑफ द बकेट, ऑन द अदर साइड इंट्रोड्यूस एन आइस ट्रे, दूसरी तरफ, एक तरफ तो गर्म करने वाली वो रॉड डाल दें उसमें, और दूसरी तरफ आप उसमें बर्फ की सिल्ली डाल दें, है ना, आइस ट्रे डाल दें, रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रीजर एंड अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक, और कहीं ना कहीं रेड इंक यानी जो लाल शाही है उसको उसमें गिराएं, टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ करंट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। प्यारे बच्चों, पहली बात तो ओशियनिक करंट को आप उस करंट से मत करना जो हमारे घरों में करंट आता है, है ना, ये वो नहीं है। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने रॉड वहां पे बोल दिया, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कहीं वही करंट तो नहीं, उसकी वजह से जो मूवमेंट, वो नहीं। आप जब वो इंक डालेंगे और इसको आप प्यारे बच्चों, कोई भी एक बच्चा अगर इसको करेगा और इसको वीडियो इसकी बना के अगर वो सेंड करेगा, तो दैट विल बी एन एक्सीलेंट, है ना। और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक तरफ आपको रॉड डालनी है, पानी गर्म हो जाएगा, एक तरफ बर्फ की आपको ट्रे डालनी है, और उसके बाद एक इंक डालना है, तो आप देखोगे उसकी जो मोशन है, एक वो सर्कुलेशन में घूमेगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें एक्टिविटी के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स, ये स्पेलिंग यहां पर गलत होगी प्यारे बच्चों, STREAMS आएगा, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, ये लगातार चलती रहती है, इसकी कोई रुकावट नहीं है,
ऑन द सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में लगातार चलती रहती है। ओशियन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, यानी कि वार्म कौन सी होगी जो इक्वेटर के आसपास है, कोल्ड कौन सी होगी जो पोलर एरिया से आ रही है, ठीक है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। अब क्या होता है, अगर मान लो आपको पता है या तो सूरज जब गिर रहा है, सूरज की रोशनी गिर रही है, तो जब पानी गर्म हो रहा है तो लैंड भी गर्म होगा, यानी कि जहां पर भी गर्म वाटर जो होगा है ना, वार्म वाटर होगा या जो ओशन करंट्स होंगी, तो वहां का जो एरिया है, लैंड एरिया है, वहां पर भी गर्मी होगी और जहां पे ठंड होगा, तो मतलब ये उसी से कोरिलेटेड है, इसको अलग से हमें समझने की जरूरत नहीं। द एरिया ऑफ कंडीशन ऑफ द एरिया, इट ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, समझनी है ना बेसिकली। अब जहां पर हॉट और वाटर जहां पर भी ये मिलती है, है ना कहीं तो ऐसी पोजीशन आती होगी कि यहां से ये इधर आया तो यहां से हॉट था, इधर आके यहां मिल गया, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो एरिया बन रहा है ये हॉट भी है एंड कोल्ड भी है, ठीक है। तो होता क्या है, सर्दियों में हम गर्म पानी करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ठंडा पानी मिलाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमें वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो मतलब हमें सुहाता है, वो हम उसमें आराम से नहा सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्म में भी नहा सकते, बहुत ज्यादा ठंडे में भी हम नहीं नहा सकते। तो यानी कि जहां पर भी कोल्ड और वार्म जो वाटर है वो कनेक्ट हो रहा है, जो स्ट्रीम्स हैं जो कनेक्ट हो रही है, जो ओशन करंट है जो कनेक्ट हो रही है, वहां पर फिशिंग बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि उनको वहां पे अच्छा लगता है, उनकी ब्रीडिंग, उनको अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम या उनके जो बच्चे हैं, मतलब अपनी जो आगे की जो नस्ल है उसको बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं फिशिंग के लिए वो बहुत एक अच्छा एरिया होता है, जहां पे कोल्ड और वार्म करंट्स जो है वो आपस में मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला एरिया जब हम नेविगेशन के तौर पे देखते हैं समुद्री जहाजों की वजह से, तो यहाँ पर काफी फॉगी एरिया हो जाता है, तो नेविगेट करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि हमने एक चीज पॉजिटिव देखी कि फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ नेविगेशन, द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और ये आप देखोगे जहां पर भी ये मीट कर रही है, आपके मैप में अगर आपके वाली बुक में थोड़ा और क्लियर, तो ये यहां जाके देखो, ये रेड दिख रहा है और ये वाला क्या है, ये यानी कि रेड यानी कि हॉट, दिस इज कोल्ड, ब्लैक वाला, तो ये वाला एरिया जहां जहां पर भी आप देखोगे राइट, तो वहां वहां पर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो वहां वहां पर फिशिंग जो है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बेस्ट होती है। और दूसरा क्या है, ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, फॉगी जैसे हमारा सर्दियों में होता है ना, फॉग होती है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। तो ये ओशियनिक करंट है ना, टाइड्स क्या है, अब मेरे ख्याल में आपको थोड़ा क्लियर हो गया, तो ओशियन करंट्स क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप ही चलती रहती हैं, वार्म होती हैं, हॉट होती हैं, क्यों होती हैं, सूरज की किरणों की वजह से होती हैं, जहां पर ये दोनों मिलती हैं वहां पर फिशिंग अच्छी होती है, नेविगेशन में मुश्किल होती है। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है, ओशियनिक करंट्स, महासागरीय धाराएं इसको बोलते हैं, ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द अर्थ सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, द ओशियन करंट्स मे बी वार्म और कोल्ड, जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल्स, ठीक है प्यारे बच्चों। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लेटिट्यूड, हायर लेटिट्यूड किसको बोल रहे हैं, ये लेटिट्यूड यहाँ पे जीरो है, तो जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं तो हायर लेटिट्यूड इधर है, ठीक है, नीचे की तरफ या उधर, और ट्रॉपिकल और लोअर लेटिट्यूड, द लेब्राडोर ओशियन करंट, लेब्राडोर ओशियन करंट जब आप अपनी बुक में देखोगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये लेब्राडोर ओशियन करंट कहीं ना कहीं ये ठंडी वाली है ना, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम आप देखोगे, तो ये एक एग्जांपल आपको दिया है उसमें से। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सर्फेस, द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल, जो जैसे कि मैं हम मैप में भी देख सकते हैं कि जहां जहां पर वो मिल रही है ना, जो अमेरिका का एरिया या जो हमने जापान का देखा था, द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, नेविगेशन, ठीक है। तो मैं इसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, जिस भी बच्चे का 22 मार्च को बर्थडे होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, और दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा इस चैप्टर को करते हुए, आपको पता चला व्हाट इज ओशियनिक करंट्स,
है ना, व्हाट इज टाइड्स एंड व्हाट आर वेव्स, सुनामी क्या है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.